अलगम दोस्तों मैं पिछले चौबीस साल से पढ़ा रहा हूँ ज़मान ताली से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मैं खुद सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था सेकेंड ईयर के बाद जब यूनिवर्सिटी गए तो मैं बाकायदा तौर पर इसको एज़ प्रोफेशन मैंने शुरू कर दिया मेरा ज़िंदगी का जो कह लीजिए फ़ख्र है अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे टीचर बनाया और पढ़ाने का मौका दिया मेरे हज़ारों शागिर्द हैं वो सब के सब शागिर्द उनमें से एक बड़ी तादाद रबते में भी रहती है कहीं मिल भी जाते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो एहसास है अपने शगिर्द को फलता फूलता देखना उसको कामयाब देखना उसको किसी मकाम पे देखना किसी अहदे पे देखना उसको कामयाब देखना ये एक टीचर इसको इंजॉय कर सकता है अजूर वाला जो मैं आपके साथ गुफगू करने लगा हूँ उस गुफ्तु को मैं उस टॉपिक पर डायरेक्ट जाने से पहले मैं आपको एक कह लीजिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा वो एक्सपीरियंस ये कि जब मैं पढ़ाता था एक टेक्निक कह लीजिए एक टैक्टिस कह लीजिए एक फॉर्मूला मुझे समझ आ गया और मैंने इसे बेशुमार अपने शगर्दों पर लगा के देखा मेरी आपसे भी दरखास्त है इस फार्मूले को आप अपने बच्चों पर अपनी औलाद पर अपने, अपने शगिर्दों पर और अपने इर्द गिर्द जो आपके जूनियर्स हैं आप उन सब के लिए कारमद पाएंगे इसको फार्मूला ये था कि मैं किसी भी बच्चे को किसी भी तालब इलम को कोई एक ऐसा टेस्ट जिसकी अच्छी तैयारी करवा के एक ऐसा इम्तिहान जिसकी अच्छी तैयारी करवा के क्लासरूम का इम्तहान हो सकता है और वो कह लीजिए कि वो इन हाउस हो सकता है उस इम्तिहान में मुकम्मल तैयारी करवा के ऐसा बच्चा जो नलाइक है जिसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये कामयाब नहीं हो सकता सारी जिंदगी वो सुनता आया कि बिल्कुल डफ़र है और ये नाकाम है और इस ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकता इस तरह की उसको फीडबैक मिलती रहती है एक इम्तिहान सिर्फ एक पेपर जो कह लीजिए वो अच्छा उसमें उसके मार्क्स अगर आ जाएं इन रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं उसके तो उस एक दफ़ा अच्छे रिज़ल्ट के आने के बाद मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने आज़माया इस बात को कि अगर एक दफ़ा उसको इस कामयाबी का जायका उसने चख लिया उसने मज़ा ले लिया वो दोबारा भी कामयाब हो सकता है अब होता ही रहा कि मेरे कई ऐसे शागिरद जिनके पेरेंट्स बाद में आए मेरे पास और उन्होंने आके कहा कि ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं था लेकिन आपने इसको ऐसा क्या किया ऐसा कौन सा फार्मूला लगाया जिससे ये पढ़ने वाला बन गया और कामयाब भी हो गया मैं उन्हें कहता था कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने फकत एक इसका इम्तिहान ऐसा था एक लम्हा ऐसा था जब इसको मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद इसके कंधे पे हाथ रख के थापड़ा मारा और उसे कहा वेरी गुड अगर तुम ये कर सकते हो तो ये पूरी किताब भी बेहतरीन तरीके से तुम तैयार कर सकते हो और जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो भी इन कामयाबी उसमें तुम्हें मिलेगी होता ये है कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ख़ुद पे एतमाद है ये हासिल करने की देर है एक बार कोई अचीव कर जाए ऐसे एक लम्हा जिसमें किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि आप ये कर सकते हैं जैसे उसको यकीन आता है यकीन करें वो रुकता नहीं है उसके बाद होता क्या है कि जिस तरह आप किसी दुकान पे बार बार जाते हैं किसी ढाबे पे जाते हैं किसी होटल में जाते हैं किसी जगह पे जाते हैं आप कहते हैं यार यहाँ का खाना बड़ा ज़बरदस्त है ये जो नानचने हैं जी ये तो कमाल लाइनें लगी, लगी होती हैं यहाँ की जी लस्सी जो है वो बड़ी मशहूर है रश लग के लाइनें लग के यहाँ से लोग लस्सी वो पीते हैं यहाँ आप जाते हैं कि जी ये चाट जो है इस दुकान की बड़ी जबरदस्त है जी इसके समोसे बड़े ज़बरदस्त हैं कुछ हो सकता है दरअसल वो जो जायका लगा होता है उस एक दफ़ा टेस्ट आने के बाद बार बार लोग उस तरफ आते हैं इस तरह कामयाबी का भी ज़ायक़ा होता है कामयाबी जब मिलती है तो आप के अंदर कई तरह की केमिकल चेंजिंग्स भी आती हैं आपका जो खुद पे तमाद है वो बढ़ता है आपको पज़ीराई मिलती है आपको शबाशी मिलती है आपको एक इनाम की शक्ल में एक मिलती है कोई जो चीज़ें आप कह लीजिए सारी की सारी कामयाबी के नतीजे मिलती हैं उनको टेस्ट करने के बाद कानों में क्लैपिंग की आवाज़ आती है वेरी गुड शाबाश तुम कर सकते हो इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं ये इनको टेस्ट करने के बाद इनका ज़ायक़ा चखने के बाद इंसान का दोबारा दिल करता है कि अगर एक बार मैं अचीव कर सकता हूँ तो दोबारा भी अचीव कर सकता हूँ मेरी आप सबसे दरख्वास्त है वो लीडर से मैं इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो इदारे चला रहे हैं जो स्कूल चला रहे हैं जो कोई कॉरपोरेट ग्रुप के हेड हैं जो किसी के सीनियर हैं उनके अंडर कोई टीम है खुदा हम गलती ढूंढने के लिए तैयार बैठे होते हैं जैसे फील्डिंग करने वाला होता है क्रिकेट में आप देखें विकेट के पीछे फील्डिंग कर रहा होता है और विकेट कीपर होता है ऐसे करके वो रेडी खड़ा होता है कि जी हमने गेंद को पकड़ना है हम इस तरह करके तैयार बैठे होते हैं कि हमने गलती पकड़नी है हमारी हमारी हर वक्त उंगली जो है ना ऐसे करके वो हम तैयार होते हैं जी निशानदेही करनी है ये गलत है काश के हम किसी की खूबी को इस तरह तलाश करना शुरू कर दें आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा एहसान आप करते हैं किसी पे जब आप उसकी खूबी को ढूंढते हैं ढूंढने के बाद उसको बताते हैं और शाबाशी देते हैं कि वेरी नाइस ये कमाल का काम आप कर रहे हैं ये ज़बरदस्त मैं एक मेरे दोस्त हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे तो वो फेसबुक की पोस्ट बड़ी अच्छी लगाते हैं वो जब भी पोस्ट लगाते हैं बड़ी डिफरेंट पोस्ट होती है उनका कॉन्टेंट उनका जुमला उनकी बातचीत बड़ी मुख्तलफ होती है एक दिन मैंने उन्हें कॉल की और शुक्रिया अदा किया अप्रिशिएट किया मैं कह सर कमाल मैं इतने लोगों के फेसबुक पेज देखता हूँ कॉपी पेस्ट लोग कर रहे होते हैं ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता या तलाश भी करते हैं तो वो रूटीन की बातें होती हैं मुख्तु कुछ नहीं होता आप कमाल कर रहे हैं उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आप मेरी जिंदगी के पहले बंदे हैं या कम अज़ कम बारह साल से मैं फेसबुक में मौजूद हूँ आप पहले बंदे हैं जिसने ये अप्रिशिएट किया है कि मैं मुख्तलिफ हूँ मेरा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है या जो मैं तलाश करके लाता हूँ और उसे पोस्ट करता हूँ वो मुख्तलिफ है तो मैंने कहा जी ये मेरा फ़र्ज बनता था आपको बताना आप इस छोटे से कुलिए को कहीं आज़मा के देख लीजिए अपने जूनियर पर आजमाएंगे नाकाम है कामयाब होना शुरू हो जाएगा आप इसे आजमाएंगे अगर अपने दोस्तों पर अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ईमानदारी से अखलास के साथ कि ढूंढ के तलाश करके आप उसे कहें यार ये चीज़ अच्छी है आपकी ये चीज़ तो कमाल है आपकी आप आज़मा के देखिए आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा आपके मोहब्बत करने वाले और चाहने वालों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि लोग हामिया ढूंढ रहे हैं लोग क्रिटिक ज़्यादा हैं उसमें से अगर कोई मोहब्बत करने वाला है अप्रिशिएट करने वाला है एक्नॉलेज करने वाला है तो वो क्यों नहीं मुख्तलिफ होगा उसके पास नतज क्यों नहीं मुख्तफ़ होंगे लिहाजा जो एक बार कामयाब हो सकता है वो बार बार कामयाब हो सकता है और ये फार्मूला आपके लिए भी है आप एक बार कामयाबी का मज़ा चख के देख लीजिए एक बार आप एक्नॉलेजमेंट का मजा चख के देख लीजिए अगर उसके बाद आप नाकाम होते हैं आपको दोबारा दिल करेगा मैंने कामयाब होना है क्योंकि कामयाबी का जायका आपने चखा हुआ है